हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आज के ये सभी प्रश्न उत्तराखंड स्क्रैनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 को हुए एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तक आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों, ये प्रकाशन किया था तरुण कुमाऊ समाचार पत्र का। ठीक है, तरुण कुमाऊ समाचार पत्र, ये दोस्तों 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा लैंसडाउन से निकाला गया। ठीक है दोस्तों, और कुछ हम समाचार पत्र को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, 1928 में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और इसका प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। 1935 में हितेशी समाचार पत्र का संपादन किया था बहादुर पातिराम ने। ठीक है, और ये दोस्तों लैंसडाउन से निकला था। अगला समाचार पत्र है कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में किया गया। इसके संपादक हैं भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। ये भी दोस्तों लैंसडाउन से निकाला गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों गढ़ गौरव समाचार पत्र। इसका संपादन दोस्तों कोटद्वार से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1975 में। ठीक है, राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र का प्रकाशन दुगड्डा से किया गया और दुगड्डा से ही दोस्तों अंतर ज्वाला समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। तो ये सभी समाचार पत्र दोस्तों आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक न एक समाचार पत्र पूछ लिया ही जाता है, तो आप ये सभी समाचार पत्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों कि श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना दिल्ली में 1938 में की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, श्रीदेव सुमन की बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जोल गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 1944 को। इनकी माता थी तारा देवी, पिता थे दोस्तों हरी राम बडोनी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों विजय लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी। ठीक है, तो विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीदेव सुमन पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया तो वह 21 फरवरी 1944 को लगाया गया था और इनके द्वारा दोस्तों 3 मई 1944 को अमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स फिर 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आप श्रीदेव सुमन को लेकर याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा प्रश्न है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो प्रभावतार दोस्तों कौन होता था ये बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भूमि की माप करने वाला अधिकारी। ठीक है दोस्तों, भूमि की माप करने वाला जो अधिकारी होता था उसे प्रभावतार बोलते थे, जबकि कत्यूरी काल में ही प्रांतपाल, ठीक है, बोला जाता था सीमाओं के रक्षक को। घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक को कहा जाता था। धर्म बर्मपाल, बर्मपाल दोस्तों व्यक्तियों पर निगरानी करने वाले व्यक्ति को बोला जाता था। ठीक है, नरपति, नरपति जो होता था दोस्तों यह नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। तो ये सब जो अधिकारी हैं दोस्तों आपके कत्यूरी काल से संबंधित हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैविक कृषि अधिनियम जो पारित किया गया तो वह सन 2019 में पारित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा जो कि उत्तराखंड की हैं, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है यह बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। तो क्रिकेट प्लेयर हैं दोस्तों महिम वर्मा, ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब देखेंगे दोस्तों राज्य में क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्लेयर्स, ठीक है। तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित अन्य खिलाड़ी, तारा रावत। तारा रावत दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं और ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। आशीष सिंह नेगी, ये दोस्तों भारत के दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं। ऋषभ पंत, यह दोस्तों रुड़की के रहने वाले हैं और यह भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हैं और इनका संबंध दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से है। मनीष पांडे, तो इनका संबंध दोस्तों नैनीताल से है। उन्मुक्त चंद, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। रजत भाटिया, यह भी दोस्तों उत्तराखंड की एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी इनका संबंध दोस्तों लावली गांव अल्मोड़ा से है, ठीक है। मानसी जोशी, ये दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक सदस्य हैं। तो ये सभी दोस्तों जो प्लेयर थे उत्तराखंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तराखंड राज्य द्वारा दोस्तों अपना पंचायती राज अधिनियम 2016 में पारित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 4 अप्रैल, ठीक है, तो 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 2016 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। डिटेल जानेंगे दोस्तों पंचायती राज अधिनियम के बारे में। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो प्रारंभ हुआ तो वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के वागदरी गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। पंचायती राज का उल्लेख जो है दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 243 के का से लेकर ड़ तक है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची व भाग से है तो दोस्तों 11वीं अनुसूची और 9वें भाग से है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे हम कि पंचायती राज को कब लागू किया गया था या फिर संवैधानिक निकाय के रूप में कब लागू किया गया। तो पंचायती राज को दोस्तों 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज, ठीक है, को संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया था। जबकि उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम को लागू किया। तो दोस्तों हमने शॉर्ट में और जो क्वेश्चन पंचायती राज से एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी यहां पर रिवाइज किए हैं। फ्रेंड्स जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है तो इसका जो मेन मकसद है तो वह दोस्तों आपका रिवीजन और प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? नायक बालिका रक्षा कानून यह दोस्तों पारित किया गया था 1929 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 1929 में दोस्तों बालिका रक्षा कानून लागू किया गया था। जबकि दोस्तों नायक सुधार समिति की स्थापना जो की गई तो वह की गई थी फ्रेंड्स 1919 में नैनीताल में, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा कि नायक सुधार समिति 1919 नैनीताल। आठवां प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। दोस्तों अभी तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं और चारों प्रैक्टिस सेट में इस वाले टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, ठीक है। और ये दोस्तों अलग अलग डेट को पेपर हुए थे और उनमें सभी में कुमाऊं परिषद को लेकर एक न एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 को हुई परीक्षा में, ठीक है। तो दोस्तों डिटेल में जानेंगे दोबारा हम। जो नए लोग हमारे चैनल से अब जुड़े होंगे तो उनका भी दोस्तों
कुमाऊं परिषद को लेकर रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई तो वह 1916 में हुई थी और 1926 तक दोस्तों यह रही, मतलब इसका जो टाइम पीरियड रहा तो वह 10 साल रहा था। और 10 साल बाद 1926 में यह दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस में शामिल हो जाती है। कुमाऊं परिषद के कुल अधिवेशन हुए थे दोस्तों 6, ठीक है। इसमें प्रथम अधिवेशन 23 दिसंबर 1917 को हुआ था अल्मोड़ा में, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जयदत्त जोशी, ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ 24-25 दिसंबर 1918 में और ये दोस्तों हल्द्वानी में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1919 कोटद्वार में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बद्रीदत्त जोशी ने, और यह दोस्तों गढ़वाल में होने वाला कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन है। चौथा अधिवेशन है दोस्तों जो कि 1920 में आयोजित किया गया और ये दोस्तों काशीपुर में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। पांचवा अधिवेशन है जो दोस्तों 1923 में आयोजित किया गया और ये दोस्तों टनकपुर में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। छठा अधिवेशन है 1926 में, स्थान है दोस्तों गनियातोली अल्मोड़ा रानीखेत, इसकी अध्यक्षता की बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो ये सभी दोस्तों हमने 6 अधिवेशन जो हुए थे कुमाऊं परिषद के बह जाने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों विद्युत से, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्मिता देवरानी को। फ्रेंड्स, देवरानी को 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था और यह दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला थी जिन्हें मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इनके अलावा जो अन्य प्रमुख महिलाएं हैं तो हर्षवंती बिष्ट, ये दोस्तों प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। हंसा मनराल, ये दोस्तों प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। विजया बड़तवाल, तो उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। जो दोस्तों हमारे 3 अन्य ऑप्शन थे तो उन्हें भी हमने डिटेल में देखा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे HD देवगुड़ा, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड निर्माण के समय जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि राष्ट्रपति थे KR नारायण, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड राज्य विधेयक, तो उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया, जबकि राष्ट्रपति ने दोस्तों इस विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयनंद भारती। जयनंद भारती उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन दोस्तों 1930 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की है, ठीक है। तो ये की है दोस्तों भिक्यासेण, यह दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। चौदवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो 4 युग्म दिए हैं, एक साइड दोस्तों जनपद दिए हैं, दूसरी साइड प्रमुख ग्लेशियर दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो कफनी ग्लेशियर, यह दोस्तों बागेश्वर में स्थित है, रालम ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में स्थित है, नामिक ग्लेशियर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन सी।
खतलिंग ग्लेशियर यह दोस्तों टिहरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन सी, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर हैं सोना ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पाछू ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि, पिनोरा, लसार ग्लेशियर, संकल्प, ये सभी जो हैं दोस्तों ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। 15वां क्वेश्चन है कि कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुणिंद मुद्राएं फ्रेंड्स किस स्थान से प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है तथ्यूर, टिहरी गढ़वाल, कत्यूर घाटी, कुमाऊ, देवडुंगा, उत्तरकाशी। तो इन तीनों स्थान से दोस्तों कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कुणिंद वंश की बात करेंगे तो कुणिंद वंश की तीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कुणिंद वंश की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं? तो तीन प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मेती आंदोलन के जनक हैं? मेती आंदोलन के जनक है दोस्तों कल्याण सिंह रावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और कल्याण सिंह रावत को ही दोस्तों मेती के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स मेती आंदोलन जो शुरू हुआ था तो वह 1996 में वेदनी बुग्याल चमोली से शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रवर्तक हैं ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत, ठीक है। इस आंदोलन के तहत दोस्तों विवाह अवसर पर वर और वधु पौधा रोपते हैं और इस पौधे की जो रक्षा करती हैं तो वह मायके की लड़कियां करती हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि इस आंदोलन को जो मूर्त रूप प्रदान किया तो वह हिमालय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बेकार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स कुली बरदायस, कुली उतार, कुली बेगार, इन तीनों रूपों में पाई जाती थी बेगार प्रथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। फ्रेंड्स कुली उतार इसके अंतर्गत अंग्रेजों का सामान उतारना होता था, कुली बेगार इसके अंतर्गत उनके सामान को ढोना होता था, कुली बरदायस इसके अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। कुली बेगार के खिलाफ दोस्तों पहली बार जो आवाज़ उठाई गई 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में उठाई गई थी, ठीक है। और दोस्तों कुली बेगार को 1906 में इलाहाबाद में ले जाया गया था, मतलब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में दोस्तों कुली बेगार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद कुली बरदायस को बंद कर दिया गया। कुली बेगार आंदोलन जो समाप्त हुआ था दोस्तों तो वह 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, समाप्त हुआ था, मतलब जो कुली बेगार प्रथा थी उसे समाप्त जो किया गया तो वह 13-14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले में समाप्त किया गया था, ठीक है। और दोस्तों जबकि कुली बेगार को पूर्ण रूप से जो समाप्त किया गया तो वह 1923 में समाप्त किया गया था, ठीक है। तो ये सभी बातें दोस्तों आप बेगार प्रथा को लेकर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था दोस्तों 1979 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। तो याद रखेगा कि 25 जुलाई 1979 को दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था मसूरी में, और किसकी अध्यक्षता में? तो देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या था? तो 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य गठित करना। 19वां प्रश्न है उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हैं दोस्तों हंसा मनराल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? तो ये थे दोस्तों फतेहपति शाह, पवार शासक
फतेहपति शाह ने दोस्तों गुरु राम राय को देहरादून में आश्रय दिया था और इन्होंने दोस्तों गुरु राम राय को 3 गांव भी दान दिए थे। ये गांव हैं दोस्तों खुड़बुड़ा, राजपुर, चमसारी, और ये तीनों गांव दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, खुड़बुड़ा, राजपुर और चमसारी किसने दान दिए? तो यह दिए थे दोस्तों फतेहपति शाह ने। अगला प्रश्न है, चंद वंश के शासन काल में श्रेति था? तो श्रेति दोस्तों चंद वंश में एक भूमिकर था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और यह दोस्तों एक नगद कर था। सीधा पूछा जाता है कि श्रेति किस प्रकार का कर है, तो यह दोस्तों नगद कर है। अगला प्रश्न है, श्री देव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो श्री देव सुमन जो शहीद हुए तो वह 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 25 जुलाई। अगला प्रश्न है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी न्यूप चैपल युद्ध। ठीक है, तो न्यूप चैपल युद्ध के लिए दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को, तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इस सम्मेलन में दोस्तों श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, इन तीनों ने भाग लिया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इन सभी ने। अगला प्रश्न है, अनाशक्ति आश्रम कोसानी संबंधित है? अनाशक्ति आश्रम किस से संबंधित है? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अनाशक्ति आश्रम कोसानी बागेश्वर में स्थित है और यहां पर ही दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा अनाशक्ति योग टीका लिखा गया था। ठीक है, डिटेल जानेंगे तो अनाशक्ति आश्रम बागेश्वर के कोसानी में स्थित है, यही गांधी जी ने अनाशक्ति योग पुस्तक लिखी थी। कोसानी दोस्तों गोमती व गरुण नदी के संगम पर स्थित है। कोसानी की बात करें तो इसका पुराना नाम है दोस्तों वलना, इसकी स्थापना की थी रैमजे ने। ठीक है, और कोसानी को दोस्तों कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट है दोस्तों कोसानी को लेकर। 26वां प्रश्न है, मरोज क्या है? तो मरोज क्या है दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक जनजातीय त्योहार। तो मरोज दोस्तों एक जनजातीय त्योहार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? तो उत्तराखंड देवभूमि सॉफ्टवेयर भू अभिलेखों से संबंधित है, जिसे दोस्तों 9 नवंबर 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और यह दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों धौली गंगा परियोजना। ठीक है, धौली गंगा परियोजना यह दोस्तों पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। पूर्वी धौली गंगा नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की दोस्तों हमने डिटेल जानी है, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट हमारा लेंथी हो जाता है, पर आपका इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों रिविज़न ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना डेली रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड में विकार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपको दिए हैं, इसमें से सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और प्रश्न है दोस्तों होमवर्क के लिए, अनाशक्ति आश्रम
कोसानी संबंधित है। तो इन दोनों होमवर्क का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, साथ में बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।